नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम स्टे। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं बैकएंड पर विशाल सूची। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं मौसम की अपडेट लेकर, और मौसम की अपडेट में आप लोगों को जानकारी देंगे कि हिमाचल प्रदेश में मौसम फिलहाल कैसा बना हुआ है और मौसम विज्ञान केंद्र का मौसम को लेकर क्या कहना है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। और बीते दो दिन आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाए, लेकिन आज आपको जानकारी देंगे पूरी तरह से कि हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर विभाग का क्या कहना है और क्या कुछ अलर्ट और क्या कुछ गाइडलाइंस जो है मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो आप लोगों के साथ मौसम की जानकारी साझा करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि जिस तरह से भी हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है और बारिश देखने को मिली है, उस वजह से बर्फबारी होने की वजह से काफी ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों, दुर्गम क्षेत्रों और कुछ मध्यवर्ती इलाकों में लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी हुई है इस बीच लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बिजली रही है तो कहीं सड़कें बंद होने की वजह से यातायात ठप पड़ा हुआ है। लोगों को काफी सारी समस्याएं इससे झेलनी पड़ रही है, क्योंकि यदि ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी तो जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, क्योंकि बिजली भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है और साथ ही साथ यातायात का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर इस वक्त बात करें तो जिस तरह से यदि कोई इस मौसम में बीमार हो जाता है या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो जहां पर सड़कें बंद पड़ी हैं वहां के लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास बस सेवा नहीं है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। तो इस तरह के काफी सारे वीडियोज हमें देखने को भी मिले कि लोगों को जो है मरीज लोगों को कंधों पर उठाकर या फिर पीठ पर उठाकर जो है काफी किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जो है अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग भी और विद्युत विभाग की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को सारी सुविधाएं जो है दी जाएं, क्योंकि जिस तरह से अभी समस्याएं आ रही हैं या फिर लोगों का जो जीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है बर्फबारी के कारण खराब रहेगा, तो पूर्ण राज्यत्व दिवस किस तरह से मनाया जाएगा या फिर बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को लेकर भी यही संशय बना हुआ था कि किस तरह से परेड होगी या जिस तरह के कार्यक्रम रहते हैं वो किस प्रकार हो पाएंगे। लेकिन मौसम ने अच्छा साथ दिया और अगर बात करें तो 25 और 26 तारीख जो है अच्छे से निकल गए, और कल भी यही आशंका बनी हुई थी दोपहर बाद जो है कहीं ना कहीं मौसम की खराब होने की आशंका लग रही थी। जिस तरह से बीच में हल्की बूंदाबांदी जो है कहीं कहीं देखने को मिली है, राजधानी में भी बर्फबारी शुरू हो गई थी और कई उच्च पर्वतीय इलाकों में दोपहर बाद जो है बर्फबारी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं मौसम के जो आसार हैं वो उसी तरह बने रहे और मौसम खराब चलता रहा और कई जगहों पर जो है लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी बीच अगर बात करें तो आपको बता दें कि अभी जिस तरह से विभाग ने या फिर प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है या फिर कहा है कि उच्च पर्वतीय इलाकों की तरफ रुख ना करें और ट्रैकिंग, इन सभी चीजों के लिए मना किया हुआ, लेकिन कुछ लोग जो है मतलब इन चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी अगर बात करें तो धर्मशाला में जो युवक, चार युवक ट्रैकिंग के लिए गए थे बर्फबारी के बीच में, जिनमें से वो लापता हो गए थे, दो को रेस्क्यू कर लिया गया और दो की जो है मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु उसमें हुई है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से अभी बचने की काफी ज्यादा जरूरत है। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बर्फबारी की वजह से हमारे जो पर्यटन है उसको काफी ज्यादा पंख लग जाते हैं, जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनके लिए ये फायदेमंद रहती है, क्योंकि बाहर से जब पर्यटक आते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसायियों को जो है काफी ज्यादा इससे लाभ पहुंचता है। अब अगर बात करें तो 27 और 28 जनवरी को, यानी कि आज और कल जो है सोलंग नाला में राज्य भर के स्केयर्स जो जुटेंगे, और आज आपको बता दें कि शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए तैयार हो गए हैं काफी सारे। आज सोलंग नाला में जो इसकी ढलाने शीतकालीन खेलों के लिए तैयार कर दी गई हैं, और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज से ये स्कीइंग जो कार्यक्रम है ये शुरू होने जा रहा है, और इसमें स्की एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप के लिए प्रदेश भर से 150 से अधिक खिलाड़ी जो है भाग लेने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब बर्फबारी, जैसे हिमाचल प्रदेश में अच्छी बर्फबारी होती है, लाहौल स्पीति की बात करें या फिर जो हमारे उच्च पर्वतीय इलाके हैं वहां पर अच्छी बर्फबारी होने की वजह से जो है अब बर्फबारी, बर्फ से जुड़े काफी सारे जो खेल हैं वो यहां पर हो पाएंगे। अब जैसे स्कीइंग से, और जिस तरह से यहां पर कहा गया है कि स्कीइंग एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप जो है आयोजित होने जा रही है सोलंग नाला में 27 और 28 के लिए, और 150 से अधिक प्रतिभागी जो है इसमें भाग ले रहे हैं। और आपको बता दें कि इसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जो है आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं, और 28 जनवरी को यानी कि कल तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे चैंपियनशिप का समापन करेंगे। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के विशिष्ट अतिथि एथलीट अनुभवी स्कीयर्स वैली के स्टोक होल्डर स्कीइंग एसोसिएशन क्लब ग्राम पंचायत पलचान बरुआ
शालेय महिला मंडल और युवा मंडल अपनी उपस्थिति दर्ज यहाँ पर करवाएंगे और ये बहुत अच्छी बात है और इससे हिमाचल प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश में अब जो बर्फ से जुड़े खेल है वो यहाँ पर होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी अगर बात करें तो कोरोना के बाद से बहुत सारी चीजें जो है हिमाचल प्रदेश में और साथ ही साथ सभी जगहों को देश भर में जो है बंद हुई हैं, काफी सारे व्यवसाय बंद हुए हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं, लेकिन अभी जो है कोरोना थमा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें जो है नई हो रही हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं देश प्रदेश का नाम भी आगे बढ़ रहा है। तो अभी अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं होने की वजह से हिमाचल प्रदेश का नाम आगे बढ़ेगा और हर साल जो है इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहेंगी तो हिमाचल प्रदेश का नाम जो है और आगे बढ़ेगा और खिलाड़ी जो है और आगे इन सभी खेलों में भाग लेने के लिए आएंगे। अब बात करते हैं तापमान की कि कहां कितना तापमान बना हुआ है बर्फबारी और बारिश के बाद, किस तरह का जो तापमान है वो हिमाचल प्रदेश के सभी जगहों पर बना हुआ है, न्यूनतम तापमान मिनिमम टेम्परेचर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिमला की, राजधानी शिमला की बात करते हैं। बीते दिन भी शिमला में बर्फबारी शुरू हो गई थी तो शिमला का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 0.3 है, सुंदरनगर का 1.3 है, भुंतर का 2.5 है, कल्पा का -7.2 है और धर्मशाला की बात करें तो 2.2, ऊना का 5.2, नाहन का 6.9 है, केलांग का -15.3 है और पालमपुर का 0.5, सोलन का 0.0 है और मनाली का -2.5 है, कांगड़ा 2.8 है, मंडी 4.8 है, बिलासपुर 5.0 है, हमीरपुर 5.1 है, चंबा 1.8 है, डलहौजी -1.0 है, कुफरी -3.6 है, जुब्बड़हट्टी 1.8 और पांवटा साहिब 17.3 है और सबसे कम टेम्परेचर जो है लगातार केलांग का बना हुआ है -15.3। अभी हुई बर्फबारी के बाद जो है तापमान और ज्यादा गिर चुका है यहाँ पर और -15.3 यहाँ का तापमान बना हुआ है। इसी बीच अगर बात करें तो मौसम साफ रहने के साथ ही साथ 27 और 28 तारीख के लिए मौसम विभाग द्वारा घने कोहरे को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है, जिसमें अगर बात करें लो हिल्स और प्लेन्स यानी कि मध्य पर्वतीय इलाके के साथ ही साथ जो हमारे थोड़ी सी निचले क्षेत्र है, निचले पर्वतीय इलाके हैं वहां पर और मैदानी क्षेत्रों के लिए घने कोहरे को लेकर भी यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि घना कोहरा रहने वाला है। तो इस बीच जो हमारे वाहन चालक है सबसे ज्यादा जो सुबह और शाम के समय काफी ज्यादा कोहरा रहता है उसकी वजह से विजिबिलिटी जो है थोड़ी कम हो जाती है, आप ज्यादा दूर का नहीं देख पाते हैं, तो आप लोगों को सतर्कता से वाहन चलाने की आवश्यकता है। और इस बीच अगर बात करें तो प्रदेश पूरा शीतलहर की चपेट में इस वक्त है क्योंकि ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी और बीते दिन भी जो है बर्फबारी देखने को मिली है। इस बीच कहीं ना कहीं प्रदेश में फिर से एक बार ठंड जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ठंडी हवाओं से ही पता चल सकता है कि ऊपरी इलाकों में कितनी ज्यादा बर्फबारी हुई है और इस बीच जो है कई जगहों पर लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि बिजली की समस्या आ रही है और पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, साथ ही साथ यातायात भी ठप पड़ा है, तो इन सभी चीजों के बीच में लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रोजाना आपको मौसम के अपडेट से अवगत करवाते हैं कि हिमाचल प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है, मौसम विज्ञान केंद्र का मौसम को लेकर क्या कुछ कहना है ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया बैकएंड पर विशाल सूची ने। धन्यवाद।